दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। आप सभी जानते हैं कि देश में किसान आंदोलन को लेकर किसान बेहाल हैं, परेशान हैं। किसान और सरकार के बीच बात बिल्कुल बन नहीं रही है। किसान को समस्या माना जाए या फिर किसानों की समस्या को समस्या माना जाए, ऐसा कुछ जानने के लिए हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के जिला जालौन। यहाँ पर किसान भाइयों ने आरोप लगाया है ठगी का। उनका कहना है कि हमने फसल बेची थी, व्यापारियों ने जिसका भुगतान चेक के माध्यम से किया, लेकिन वह चेक बाउंस हो गया। किसान अपनी मांग को लेकर आला अफसरों के पास पहुंचे। यह मामला आता है जिले की तहसील कौंज के क्षेत्र का। दिखाते हैं आपको यह रिपोर्ट। पटेल, ग्राम जीत रखली रिपोर्ट। अच्छा जी, आज आप लोग यहाँ पे आए, क्या है पूरा मामला, क्यों यहाँ पे आए? मामला ये है कि व्यापारियों ने गेहूँ खरीदा था, जिनका नाम है प्रशांत कुमार द्विवेदी, पुत्र आनंद कुमार द्विवेदी, आशीष कुमार द्विवेदी, पुत्र आनंद कुमार द्विवेदी, मधुलिका पत्नी प्रशांत कुमार। ये तीन लोगों ने डॉक्टर गिरीश चतुर्वेदी, नगर अध्यक्ष भाजपा उरई, इन लोगों ने मिलकर के गेहूं खरीदा था। अच्छा, वो गेहूं खरीद करके कुछ लोग किसानों का पेमेंट कर दिया, कुछ का जो है चेक पकड़ा के और यहां से निकल लिए। तो किसानों का पैसा नहीं देना चाहते। कितना आपका पैसा है और कब आपने? ये अप्रैल मई के महीने में हम लोगों ने जो है गेहूं बेचा था इसको। अच्छा, लगभग सभी किसानों का मिला करके 202 करोड़ रुपए है। अच्छा, तो आज आपने यहाँ पे एकदम साहब से शिकायत की, तो क्या कार्रवाई? उन्होंने आश्वासन दिया है जी कि हम इसकी कार्रवाई करेंगे, और अगर ये कार्रवाई नहीं होती है, कहीं हमारी सुनवाई नहीं होती है, तो हम सभी किसान मिलकर के धरना प्रदर्शन करेंगे। आपने देखा कि ग्राम रवा क्वारापुर के करीब 4 दर्जन किसानों ने अपनी समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि बीते साल 2020 में उन्होंने गेहूं की फसल एक व्यापारी को बेची थी। गेहूं का व्यापारी उनके घर आता है और गेहूं को तुलवा कर ले जाता है, बाद में चेक के माध्यम से भुगतान भी करता है, लेकिन यह चेक बाउंस हो जाता है। अब यह किसान अपनी समस्या को लेकर भटक रहे हैं ताकि उनका भुगतान हो सके। आप सभी जानते हैं कि कोरोना, नोटबंदी, ये सारे ऐसे मुद्दे थे जिनमें किसान और आम जनता परेशान हुई, लेकिन अब किसान का समय पर भुगतान न होना एक समस्या बनी हुई है। आप देख रहे हैं द दस्तक 24। नमस्कार।